हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स बाय मनिंदर सिंह सिद्धू। देखिए, आज की क्लास से पहले हमने आपको इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं वो आपको बताया गया था। नाउ टू इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स। देखिए, 3x3 मैट्रिक्स जब आता है तो उसका जब हमें इनवर्स फाइंड करना होता है तो वो प्रोसेस काफी लंबा होता है। देयर आर लॉट मोर नंबर ऑफ स्टेप्स एज कंपेयर टू द फाइंडिंग इनवर्स ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स, राइट। आपको 2x2 मैट्रिक्स में याद होगा, जब भी 2x2 का मैट्रिक्स का हमने इनवर्स फाइंड किया था तो सबसे पहले हम इन दो एलिमेंट्स को जीरो बनाते थे और इसके बाद बाकी के बचे हुए दो एलिमेंट्स को हम वन बना लेते थे। आज हम 3x3 वाला एक मैट्रिक्स ले रहे हैं और उसका इनवर्स फाइंड करेंगे। देखिए, 3x3 वाला जो मैट्रिक्स होगा उसमें एज यू ऑल नो देयर विल बी 9 एलिमेंट्स, राइट। तो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट्स को यू हैव टू मेक जीरो। तो दीज 6 एलिमेंट्स हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू जीरो। नाउ आई एम गिविंग यू वन ऑर्डर, वन स्पेसिफिक ऑर्डर। उसी ऑर्डर के हिसाब से अगर आप इनको जीरोस बनाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको जीरो बनाएंगे जो 3x1 पोजिशन पे एलिमेंट होगा। देन दिस वन, थर्ड इज दिस, देन फोर्थ, देन फिफ्थ एंड फाइनली सिक्स्थ। तो इन एलिमेंट्स को इन ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम जीरो बनाएंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि मैट्रिक्स का इनवर्स इजिली फाइंड कर लेंगे। देखिए, ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है, क्वेश्चन काफी लंबा जाने वाला है। मैं आज की क्लास में सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा। आप देखेंगे वही क्वेश्चन जो है होने में काफी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनकी टाइम आप रिड्यूस नहीं कर सकते। बाय मोर प्रैक्टिसिंग आप इजिली ये वाले क्वेश्चन जो है कम टाइम में कर सकते हो। अराउंड 10 मिनट्स में ये क्वेश्चन किया जा सकता है। बट आज मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करने वाला हूं तो आपको मैं स्लोली सारे स्टेप्स जो है बताऊंगा। तो आप भी नोटबुक लेके बैठिए साथ में और साथ साथ में स्टेप्स नोट करिए, बिकॉज मुझे मल्टीपल टाइम्स ये जो बोर्ड है वो रब करना पड़ेगा बीच में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, जो भी गिवन मैट्रिक्स होता है हम उसे मैट्रिक्स ए अज्यूम कर लेते हैं। नाउ द प्रोसीजर, वी नो दैट आई ए इज इक्वल टू ए होता है, देन वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ आई। आई इज 100001, देन ए की वैल्यू हम यहां पे सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं। वो आप रीजन जानते हैं, क्योंकि ये जो सेकंड वाला मैट्रिक्स है इसके सिर्फ कॉलम यूज होते हैं तो यहां पे कोई भी रो ऑपरेशन नहीं लगेगा और मैं ये क्वेश्चन जो है वो रो ऑपरेशन से करने वाला हूं। ये मेरा क्वेश्चन है, इसको मुझे इनवर्स फाइंड करना है यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, राइट। तो ए की वैल्यू है 1, 3, -2, -3, 0, 5, 2, 5, 0। देखिए, अब मैं प्रोसीजर स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले जिस एलिमेंट को मुझे जीरो बनाना है वो ये वाला एलिमेंट है, राइट। इस एलिमेंट को जीरो बनाना है और आप ये भी देख सकते हैं कि डायगोनल एलिमेंट कभी भी हमारे नॉन जीरो नहीं होने चाहिए, क्योंकि मुझे बाद में इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, राइट। तो दैट इज व्हाट आवर टारगेट इज। तो इनको इन तीनों को वन बनाना है। तो ये दोनों एलिमेंट जो है वो जीरो होना ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो यहां पे मैं एक प्रॉपर्टी का यूज करने वाला हूं, R2 इंटरचेंजेस विद R3। तो अगर मैं R2 और R3 को इंटरचेंज करता हूं तो उससे हमें क्या फायदा होने वाला है? उससे फायदा क्या होगा अभी आप देखिए। देखिए, फर्स्ट रो सेम रहेगी, सेकेंड एंड थर्ड रो को हमने आपस में इंटरचेंज कर दिया। सेम वे में यहां पे भी फर्स्ट रो विल रिमेन सेम, सेकेंड एंड थर्ड रो को हमने इंटरचेंज किया। अब यहां पे आप देखिए, इंटरचेंजिंग करने से डायगोनल एलिमेंट जो है वो अब नॉन जीरो हो चुके हैं। अब डायगोनल एलिमेंट जो है वो जीरो नहीं है। अब मैं यहां से अपना आगे का प्रोसीजर जो है वो मैं स्टार्ट करने वाला हूं। नाउ सबसे पहले मुझे इस एलिमेंट को जीरो बनाना है, राइट।
इस एलिमेंट को जीरो बनाना है या किसी भी एलिमेंट को जीरो बनाना हो तो उसके ऊपर वाले या नीचे वाले एलिमेंट की आप हेल्प ले सकते हैं। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था जब हम 2x2 वाले मैट्रिसेस का इनवर्स फाइंड कर रहे थे। तो -3 को जीरो बनाना है, 2 या 1 इन दोनों में से आप किसी की भी हेल्प ले सकते हैं। एंड वी नो दैट 1 से इसको जीरो बनाना थोड़ा ज्यादा इजी रहेगा, तो मैं 1 की हेल्प से इसको जीरो बनाने वाला हूं। तो जिस एलिमेंट को जीरो बना रहे हैं वो थर्ड रो में है, इसलिए ऑपरेशन लगेगा R3 पे, यानी थर्ड रो पे। नाउ थर्ड रो का एलिमेंट जो है वो -3 है और फर्स्ट रो का जो एलिमेंट है वो 1 है। तो ये फर्स्ट रो के एलिमेंट को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देता हूं तो ये एलिमेंट 0 बन जाएगा। तो प्रॉपर्टी लग जाएगी R3, यानी R3 को किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करना है और R1 को 3 से करना है, 3R1, और फिर इन दोनों को ऐड करना है। नाउ दिस विल बिकम R3 गोज R3 प्लस 3R1, दिस इज आवर फर्स्ट ऑपरेशन हियर आफ्टर दिस वन ऑफ कोर्स। तो ऑपरेशन क्योंकि R3 पे लगा है तो मैं फर्स्ट रो एंड सेकंड रो को अनचेंज रहने देता हूं दोनों साइड्स पे। मैं पहले ही ये कॉपी कर रहा हूं क्योंकि इन क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। तो अब लास्ट में हमने क्या किया, हमने फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया, राइट। तो इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 3 बनेगा और -3 में ऐड होने पे 0 हो जाएगा। इसको जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 बनेगा, 9 को 0 में ऐड करेंगे तो 9, 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा, -6 को आप 5 में ऐड करेंगे तो दिस विल बिकम -1। ओके, नाउ सेम ऑपरेशन यहां पे भी लगाना है, 3 से फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करके यहां पे ऐड करना है। तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 बनेगा, 3 प्लस 0 3 हो जाएगा, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 0 प्लस 1 1 रहेगा, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 0 प्लस 0 विल रिमेन 0। नाउ एक एलिमेंट हमारा 0 बन चुका है एक ऑपरेशन लगाने के बाद। नाउ नेक्स्ट एलिमेंट इज दिस वन, इस एलिमेंट को अब हमें 0 बनाना है, राइट। अब इसको 0 बनाने के लिए मैं 1 का यूज करने वाला हूं। क्या करेंगे हम, ये एलिमेंट 0 बनाना है, ये कौन सी रो में, सेकेंड रो में, राइट। तो सेकेंड रो पे ऑपरेशन लगेगा R2 पे। अब R2 के एलिमेंट को किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नो, तो R2 विल रिमेन सेम। अब R1 के एलिमेंट को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करता हूं 2R1, तो इससे ये एलिमेंट 0 हो जाएगा। नाउ इस बार ऑपरेशन जो है वो किस पे लगा रहे हैं, सेकेंड रो पे। सो दैट मीन फर्स्ट रो और थर्ड रो को आप एज इट इज लिख सकते हैं दोनों साइड पे। दिस इज 1 3 -2 0 9 -1। अब मैं ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं यहां पे, मैं ये रब कर देता हूं साथ में। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बनेगा, 2 में से 2 माइनस होगा तो 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बनेगा, फिर 5 -6 करेंगे तो -1। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 बनेगा, 0 -4 विल बी +4। सेम ऑपरेशन यहां पे भी लगाएंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, देन 0 -0 करने पे 0 आएगा, ये 2 × 0 करेंगे तो 0 रहेगा, फिर 1 - 0 करने पे 1 आ जाएगा। नाउ अब हमने दो एलिमेंट्स को 0 बना लिया इन दोनों को। नेक्स्ट एलिमेंट जिसे हमने 0 बनाना है वो ये वाला है। आप उस ऑर्डर के हिसाब से जाइए जो अभी मैंने आपको ऑर्डर नोट करवाया था। अब इस एलिमेंट को 0 किसकी हेल्प से बनाएंगे, -1 की हेल्प से या 3 की हेल्प से? अगर आपको लग रहा है कि दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं तो यहां पे आप रॉन्ग है, कोई भी यूज नहीं करना है, हमें सिर्फ -1 का यूज करना है। अगर हमने 3 का यूज करके यानी कि R3 में R1 का यूज किया तो उससे क्या होगा, जो ये वाला 0 हमने ऑलरेडी बनाया था फर्स्ट स्टेप में, इस एलिमेंट की वजह से ये वाला 0 जो है वो नॉन जीरो हो जाएगा, तो हमारी जो मेहनत है वो गई पानी में। तो इसलिए हमें इस एलिमेंट का यूज करके इसको 0 बनाना होगा, क्योंकि इसके एडजेसेंट जो एलिमेंट है वो ऑलरेडी 0 है, ये इस एलिमेंट को अफेक्ट नहीं कर पाएगा, राइट। नाउ इसको 0 बनाएंगे इसकी हेल्प से, थर्ड रो पे ऑपरेशन लगाएंगे। तो R3 गोज, R3 पे मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं, R3 को एज इट इज रहने देंगे और R2 को
अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो ये माइनस 9 बन जाएगा और फिर इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 9 आर 2, ये मैंने ऑपरेशन लगाया। ऐसा करने पे क्या हुआ, ऑपरेशन आर 3 पे है तो आर 1 जो है दोनों साइड पे सेम रहेगी, आर 2 भी सेम रहेगी। ओके नाउ 9 इंटू 0 इज 0, देन 0 प्लस 0 विल बी 0, माइनस 9 प्लस 9 विल बी 0, देन 36 माइनस 1 विल बी 35। अब यहां पे क्या होगा, सेम ऑपरेशन यहां पे भी लगेगा, इसको मैं 9 से करूंगा तो ये बनेगा माइनस 18, माइनस 18 प्लस 3 करने पे क्या आ जाएगा माइनस 15, 9 इंटू 0 करेंगे तो 0, 0 प्लस 1 करने पे 1, 9 इंटू 1 करेंगे तो 9, 9 प्लस 0 करेंगे तो 9, राइट right? तो अब ये एलिमेंट भी 0 हो गया। नेक्स्ट किस एलिमेंट की बारी है अब 0 होने की, यू आर राइट, ये एलिमेंट की। अब इस एलिमेंट को 0 बनाने के लिए मैं इन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकता हूं, राइट right? तो इन दोनों में से किसी का भी यूज करेंगे हम, तो प्रॉपर्टी जो है वो आर 1 पे लगानी होगी हमें, आर 1 पे, आर 1 का जो एलिमेंट है वो 2 है, तो अगर मैं इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2R1, और उसमें R2 ऐड कर दूं, तो ऐसा करने पे दोनों एलिमेंट का जो सम है वो 0 बनने वाला है, राइट right? तो देखिए क्या बनेगा, ये R1 पे मेरी प्रॉपर्टी है तो मैं R2 को और R3 को एज इट इज लिख दूंगा दोनों साइड पे, ये आ गया। अब देखिए हमने क्या किया है, R1 पे प्रॉपर्टी लगाई है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 2 बनेगा और फिर 2 प्लस 0 करने पे 2 ही आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बनेगा और 6 माइनस 1 करने पे 5 आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4, माइनस 4 प्लस 4 करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह यहां पे भी प्रॉपर्टी लगेगी, 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 आएगा, फिर माइनस 2 प्लस 2 मिलके 0 आ जाएगा, 2 इंटू 0 करेंगे तो 0 आएगा, 0 प्लस 0 करके 0 ही आ जाएगा, 2 इंटू 0 करेंगे तो 0 एंड देन 0 प्लस 1 विल बी 1। ओके यहां तक हम कर चुके हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है जिसे 0 बनाना है मुझे, वो ये वाला एलिमेंट है, राइट right? अब मैं इसमें प्रॉपर्टी लगाने वाला हूं, ओके नाउ नाउ ये एलिमेंट जो है इसे मुझे 0 बनाना है, ये आर 2 में है, दैट मींस नेक्स्ट ऑपरेशन इज ऑन आर 2। नाउ आर 2 और आर 3 के जो दोनों एलिमेंट्स हैं इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इस बार मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 35 से और इसको करना पड़ेगा 4 से, तभी ये दोनों इक्वल हो पाएंगे। तो प्रॉपर्टी मेरी क्या होगी, मैं आर 2 पे प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, आर 2 को 35 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, आर 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एंड देन दोनों क्योंकि पॉजिटिव है तो 0 बनाने के लिए मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो R2 पे इस बार ये प्रॉपर्टी मैंने लगाई है, तो सामने देखिए R2 पे प्रॉपर्टी है तो इसलिए R1 विल रिमेन सेम, R3 विल रिमेन सेम, यहां पे भी आप देख सकते हैं R1 एंड R3 विल रिमेन सेम। अब प्रॉपर्टी में लगा रहा हूं, देखिए क्या होता है, अब यहां पे ये 0 इंटू 35 0 ही रहेगा, 4 इंटू 0 0 ही रहेगा, दोनों को ऐड करने पे 0 आ जाएगा, 35 इंटू माइनस 1 करने पे माइनस 35 आएगा और 4 इंटू 0 0 ही रहेगा, ऐड करने पे माइनस 35 आ जाएगा, 35 इंटू 4 करने पे 140 आ जाएगा और ये भी 140 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, राइट right? तो सेम प्रॉपर्टी में और भी जगह पे लगाने वाला हूं, यहां पे भी देखिए 35 इंटू माइनस 2 करने पे आएगा माइनस 70, देन 4 इंटू माइनस 15 करने पे आएगा माइनस 60, तो माइनस 70 और माइनस 60 को आपस में माइनस करेंगे तो आंसर विल बी माइनस 10, राइट। नाउ 35 इंटू 0 जो होता है वो 0 ही होता है, 4 इंटू 1 विल बी 4, देन 0 माइनस 4 will be minus 4. Now 35 into 1 होता है 35, 4 into 9 होता है 36,
35 माइनस 36 इज माइनस 1, तो ये एलिमेंट्स आ गए मेरे पास। अब लास्ट एलिमेंट जो बचा है जिसको मुझे जीरो बनाना है वो ये एलिमेंट, ये राइट। अब इस एलिमेंट को जीरो बनाने के लिए मैं इसकी हेल्प लेने वाला हूं, आर वन पे मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा, आर वन को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 7 से मल्टीप्लाई करके ये 35 बन जाएगा और इसमें फिर आर टू मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। ऐसा करने पे फर्स्ट रो पे ऑपरेशन है तो इसलिए सेकेंड एंड थर्ड रोज विल रिमेन सेम, सेकेंड एंड थर्ड रो दोनों साइड पे मैं सेम कॉपी कर रहा हूं। नाउ लेट्स अप्लाई द ऑपरेशन, 7 टू द 14, देन 14 प्लस 0 विल बी 14, देन 7 फाइव द 35, 35 माइनस 35 0, 7 इंटू 0 0 बनेगा, 0 प्लस 0 0 ही आ जाएगा। तो इस तरह से हमने डायगनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सभी को 0 बना लिया है। अब यहां पे देखिए सेम ऑपरेशन लगाएंगे, 7 इंटू 0 0, देन माइनस 10 करेंगे तो यहां माइनस 10 आ जाएगा, 7 इंटू 0 0, देन उसमें से उसमें माइनस 4 करेंगे तो माइनस 4, देन 7 वन द 7 और देन 7 माइनस 1 करेंगे तो 6। तो इस तरह से डायगनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सब 0 आ चुके हैं। अब मैं डायगनल एलिमेंट्स को 1 बनाऊंगा। डायगनल एलिमेंट्स को 1 बनाना, अगर लास्ट में 1 बनाना है तो बहुत ही इजी प्रोसेस होता है। हम स्ट्रेट अवे फर्स्ट रो को 14 से डिवाइड कर देते हैं, या फिर आप कह लीजिए कि 1 बाय 14 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको 1 बनाने के लिए। सेकेंड रो को माइनस 35 से डिवाइड कर देंगे एंड थर्ड रो को 35 से डिवाइड। ऐसा करने पे क्या रिजल्ट आएगा देखिए, फर्स्ट रो को मैं 14 से डिवाइड कर रहा हूं, 10 को जब हम 14 से डिवाइड करेंगे तो दोनों में कॉमन फैक्टर 2 होता है, तो कटने के बाद माइनस 5 बाय 7 आ जाएगा। माइनस 4 को जब हम 14 से डिवाइड करेंगे तो कटने के बाद माइनस 2 बाय 7 आ जाएगा। 6 को जब हम 14 से डिवाइड करेंगे तो 3 बाय 7 आ जाएगा। सेकेंड रो को हम 35 से डिवाइड कर रहे हैं, माइनस 35 से, इसको जब हम माइनस 35 से माइनस 10 को माइनस 35 से डिवाइड करेंगे तो दोनों में माइनस 5 इज द कॉमन फैक्टर, तो आंसर बचेगा 2 बाय 7। इसको जब हम 35 माइनस 35 से करेंगे तो ये 4 बाय 35 ही रहेगा, इसको माइनस 35 से करेंगे तो 1 बाय 35 आ जाएगा। थर्ड रो को हमने 35 से डिवाइड किया है, इसको 35 से डिवाइड करेंगे तो 5 इज द कॉमन फैक्टर आ जाएगा माइनस 3 बाय 7, इसको 35 से डिवाइड करेंगे तो 1 बाय 35, इसको 35 से डिवाइड करेंगे तो 9 बाय 35। ए इज इक्वल टू फर्स्ट रो को 14 से डिवाइड किया तो ये बन गया, सेकेंड रो को माइनस 35 से किया और थर्ड रो को 35 से किया। नाउ अब ये किस फॉर्म में आ चुका है, अबव इज ऑफ द फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म है देखिए, ये दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है, बी ए इज इक्वल टू आई है, और आप सब लोग जानते हैं दो मैट्रिसेस को अगर मल्टीप्लाई करके आई आ रहा होता है तो दैट मीन्स दोनों मैट्रिसेस जो होते हैं एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जो मैट्रिक्स बी आया है यहां पे क्या आया है, दिस इज द आंसर, मैं इस आंसर को कॉपी करूंगा, माइनस 5 बाय 7, माइनस 2 बाय 7 एंड देन 3 बाय 7, 2 बाय 7, 4 बाय 35, 1 बाय 35, माइनस 3 बाय 7, 1 बाय 35, 9 बाय 35 इज इक्वल टू ए इनवर्स, यानी कि ये इस गिवन जो मैट्रिक्स था हमें क्वेश्चन में ये उसका इनवर्स आ चुका है। आप इस वीडियो को एक बार दोबारा देखिए, अच्छे से देखिए, प्रोसेस को ध्यान से समझिए, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो 3x3 ऑर्डर वाले, वो दोबारा करिए। अभी शुरुआत में हो सकता है आपको टाइम लगे, टेक योर टाइम, अगर आपको 15 मिनट्स लग रहे हैं, 20 मिनट्स लग रहे हैं, टेक योर टाइम। अगर आपकी मिस्टेक हो गई है, सिली मिस्टेक हो गई है तो उसे ध्यान से ढूंढिए। देखिए मिस्टेक को ढूंढना भी एक बहुत ही टीडियस प्रोसेस है यहाँ पे, तो इट वुड बी बेटर कि अगर आपको मिस्टेक नहीं मिल रही तो क्वेश्चन दोबारा से प्रोसीड करिएगा, मगर ये क्वेश्चन बड़े स्लोली करने हैं, आपको इसमें परफेक्शन हासिल करनी है, बिकॉज दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।